इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। इसी के बाद क्या होता है, जितने भी एनर्जी रहती है, एनर्जी रिलीज होती है, जो और जो उनके अंदर केमिकल चीज़ें रहती हैं, रासायनिक चीज़ें रहती हैं, वो सिंपलर फॉर्म में टूट करके क्या करती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, यानी C6H12O6 बनाती हैं, और इसी से ये पौधे अपने एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करके जमा करके रखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप फूड एंड यूटिलाइज बाई द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी वह माध्यम जिस माध्यम से पौधे अपना भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिराइव्ड इनटू टू कैटेगरी, यानी दो कैटेगरी के होते हैं न्यूट्रिशन के, पोषण तत्व लेने के। पहला है इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेट्स स्टार्ट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड इट्सेल्फ फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूरिशमेंट, यानी अब अपने बॉडी को खुद न्यूरिशमेंट देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वी हैव टू नो अबाउट इन अ ब्रीफ। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, यानी वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। सेकंड है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स विच डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, यानी उन्हें मार करके या पौधे से लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी एक वर्ड में अगर कहा जाए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, न्यूरिशमेंट के लिए, वही क्या कहलाता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, हेटरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। कैटेगरी के हिसाब से हेटरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। इसमें हेटरोट्रॉफिक हेटरोट्रॉप्स को थ्री भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हर्बीवोरस मीन्स प्लांट ईटर्स, यानी जिसे हिंदी में शाकाहारी जीव जंतु कहा जाता है, शाकाहारी जीव कहा जाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, इन सारी चीज़ों को खाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। इन्हें एक वर्ड में प्लांट्स ईटर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स, काऊ, डियर, गोट, ग्रासोपर एक्सेट्रा एक एग्जांपल है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्निवोर्स, मीन्स मीट ईटर्स, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच ओनली ईट ओनली फ्लैश, दोज एनिमल्स विच ईट मीट एंड फ्लैश इज नोन एज कार्निवोर्स, यानी वे जीव जंतु जो सिर्फ मांस खाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स कहलाते हैं। जैसे जैकाल है, हॉक है, फ्रॉग है, स्नेक है, वल्चर है, लिजार्ड है, ये सभी क्या है, कार्निवोर्स के कैटेगरी में आते हैं। ऑमनिवोर्स, ऑमनिवोर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या ऑमनिवोर्स होता है। बोथ यानी वे ऑर्गेनिज्म, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट इज कॉल्ड ऑमनिवोर्स, यानी वे जीव जंतु जो सिर्फ जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ऑमनिवोर्स कहलाते हैं। वी डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड, हम लोग जानते हैं अपने भोजन के लिए हम तमाम तरह की चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, जैसे राइस है, वीट है, पल्सेस है, ये तमाम तरह की चीज़ें हमें न्यूरिशमेंट देती हैं, इसमें से कुछ है मिल्क है, चीज है, कर्ड है, मीट एग एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें खाने के लिए हैं। अलग अलग फूड से हमें अलग अलग तरह की चीज़ों से हमें अलग तरह की कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हमें मिलती हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट,
इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिस माध्यम से हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। वे सनलाइट का उपयोग करके, ठीक है, वाटर मिनरल्स का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस को एक फार्मूले से डिस्क्राइब किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर के सनलाइट की जब हीट इस पर मिलती है तो यह दो भागों में टूटता है, दैट इज द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसका फार्मूला है 6 इधर लगाया गया है इन कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 6 बैलेंस करने के लिए इसमें लगाया, 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स दैट सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6, यानी यह पूरा ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। प्लांट्स दस कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी ऑफ फॉर द फूड। इसकी वजह से जो प्लांट्स रहते हैं वह सोलर एनर्जी का प्रयोग करके क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें कि थोड़ा सा और टॉपिक डिस्कशन करेंगे। दिस सिंथेसाइज द फूड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ट्री। यह अलग अलग प्लांट्स जो रहते हैं, प्लांट्स के जो ट्री रहते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं। एक टॉपिक है, देयर इज अ टॉपिक दैट इज द स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, हम लोग मैंने पिछले क्लास में ही बताया था और इस समय भी मैं बता रहा हूँ कि पत्तियों में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिसे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज स्टोमाटा। स्टोमाटा एक छोटा सा पोर्स होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हमेशा यूज होता है। स्टोमाटा आर द प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द लीफ, या हमेशा लीफ के नीचे जो भाग रहता है उसमें हमेशा प्रेजेंट रहता है। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स आगे स्टडी हम करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, क्या क्या